कई चीजें आप खाते हो जो इंडिया के है ही नहीं। आप जो मस्कीटो स्प्रे यूज करते हो उसका असली काम जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। और सूज के नीचे ये ग्रैप क्यों होता है, कैसे आप अपने हाथों और पैरों के नेल्स को एक साथ काट कर एक जादू देख सकते हो, और आज की चीजें पुराने जमाने में कैसे दिखती होंगी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो प्लीज बिना स्किप किए बने रहेगा वीडियो में एंड तक। इस वीडियो पर एम रखते हैं 100 लाइक्स, देखते हैं कि आप कर पाते या नहीं। अमर नाइट, आपने हार्ड ऐसी चैन देखी होगी, आज देखो ये बनती कैसे है। इसे बनाने के लिए इतने बड़े मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और आप देख सकते हो कैसे ये लूप में बनती जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो चाइना के बीजी एयरपोर्ट कैसे दिखता है। एक के बाद एक लाइन से लगातार प्लेन आती ही जा रही है, जो देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा है और पूरे भरे हुए हैं। नंबर 8, आप अपने कभी फिंगर्स नेल को टुवाय के नेल्स को एक साथ बराबर काट के देखना, आप शौक हो जाओगे। जो हमारे फिंगर नेल्स हैं वो हमारे टुवाय के नेल से 4 गुना तेजी से बढ़ जाते हैं, और यही रीजन है कि नाखून काटने के कुछ ही दिनों बाद हमारे हाथ के नाखून बढ़ जाते हैं लेकिन पैरों के नाखून महीनों तक चले जाते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में छोटी हड्डी एक चींटी जितनी छोटी है। इस उंगली पर आप छोटी छोटी हड्डियां देख रहे हो, आपके शरीर की ये सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। ये इंसान का सबसे छोटा बोन है जो ईयर्स के पास होता है, यही वाइब्रेट होती है जो साउंड वेव हमारे कान में टकराती है। नंबर 7, क्या आपको पता है चाइना में यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया यूज नहीं होती है, क्योंकि चाइना में ये बैन है। लेकिन वहाँ के सोशल मीडिया आखिर दिखते कैसे हैं? वहाँ गूगल नहीं है, उसकी जगह पर बाइडू यूज होता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। व्हाट्सएप की जगह वी चैट करते हैं और ट्विटर की जगह वीवो यूज करते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है। फेसबुक की जगह रेनरे यूज करते हैं, यूट्यूब की जगह यूकू यूज करते हैं, इसमें तो शायद इसने कॉपी ही कर ली है। और एंड में क्रोम की जगह चाइना यूसी ब्राउजर यूज करता है। पहले इंडिया में भी हुआ करती थी, पहले इंडिया में भी यूज हुआ करती थी, लेकिन फिर इसे बैन कर दिया गया। भाई चाइना ने हर चीज कॉपी कर ली है, यहाँ तक कि उसके चाइनीज एलोन मस्क भी है। नंबर 6, मॉस्किटो रिपेलेंट मॉस्किटो को मारता नहीं है बल्कि आपको ही गैप कर देता है। यानी जब इसे यूज करते हो तो मॉस्किटो के सेंसर इसे स्मेल करना बंद कर देते हैं, इस वजह से ये आपकी स्किन को सूंघ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, एक ऐसी जगह है जहाँ आज तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, अटकामा डिजर्ट नाम का कामा नाम का एक टाउन है। यहाँ कभी भी बारिश नहीं होती है, ये पानी के लिए दूसरे सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट, ये कछुआ इतना पुराना है कि इसे ऐसे लोग से मुलाकात हुई है जिसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। इसका नाम हैरियट है, इसका डेथ 2016 में हुई है और ये चार्ल्स डार्विन से सच में मुलाकात की थी। नंबर 5, ये आपको जानकर ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि हर साल 100 से भी ज्यादा लोग बॉल पेन की वजह से मर जाते हैं। ये लोगों के गले में अटक जाती है और कुछ केसेज में ये लोग काफी बियर्ड तरीके से मरते हैं, तो ये बहुत ही डेंजर है। नेक्स्ट, ओलंपिक के फ्लैग में 5 कलर है, और क्या आपको पता है कि ये 5 कलर में से एक न एक किसी भी कलर पूरे वर्ल्ड के किसी न किसी फ्लैग में आता ही है, और ये दिखाता है कि ओलंपिक सारे कंट्री के लिए है। नंबर 4, आपने कई बार देखा होगा कि आपके शूज में कुछ इस तरीके से गैप होते हैं, आपको रीजन पता है? आपको शायद लग रहा होगा कि शायद ये एक डिजाइन है, ऐसा नहीं है। इसका काम शूज को अट्रैक्टिव बनाना तो है ही, उस वजह से जब आप इस शूज को पहनते हैं तो अच्छा तो लगते ही हो, और गैप होने की वजह से पीछे थोड़ी हील बन जाती है और व्यक्ति थोड़ा लंबा दिखता है, और ये जो गैप है वो शूज को बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल बनाता है, और ये गैप ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा नहीं घिसते, और ये ज्यादा गैप होने से ये ज्यादा नहीं घिसते, और साथ में भी इनका बैलेंस बना रहता है। इसीलिए कई लोग ऐसे ही ज्यादा शूज लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी ग्रिप होती है और टिकाव भी होती है। नंबर 3, इंडिया में मिलने वाले क्या ऐसे फूड हैं जो हमें लगता है कि इंडिया में बने हैं या फिर इंडियन है, पर इनकी ओरिजिनलिटी कहीं और की है? जैसे कि पाव भाजी, ये मुंबई में बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन इंडिया में ये नहीं इन्वेंट हुआ था, इसे पोर्चुगी लोग बनाए थे। पाव भाजी में जो पाव शब्द है पोर्चुगी का है, और पाव भाजी हमने जोड़ दिया है। लड़ाई के दौरान इसे रेज मिक्स करके बनाया जाता था, और जब ये इंडिया में आए तो लोग इसे अपना समझकर तड़का बना दिया, और बहुत टेस्टी भी हो। फिर समोसा, इसे समोसा कहा जाता था, ये सेंट्रल एशिया का फूड था, अब इसमें मीट डाला जाता था, लेकिन जब ये इंडिया में आए तो लोग वेजिटेरियन थे और उनके अंदर आलू भर दिया। और गुलाब जामुन, इसे लेकर 2 फेमस स्टोरी है। एक ये है कि मुगल बादशाह के बाद ये इंडिया आया था, और दूसरा मुगल राजा को खुश करने के लिए पर्शिया से आए एक शेफ ने एक स्वीट बनाया था जो गलती से गुलाब जामुन बन गया। नंबर 2, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप जो घरेलू सामान यूज करते हो पहले जमाने में कैसे दिखा करती थी। कपड़ों को साफ करने वाली मशीन कुछ ऐसा दिखती थी, इसे हाथों से चलाना पड़ता था। नेक्स्ट, कोलगेट के फाउंडर का नाम विलियम कोलगेट था, और 90s में कोलगेट कुछ ऐसा दिखता था, रेड और व्हाइट कलर के साथ। नेक्स्ट, क्या आपको फोन का वेट पता है? दुनिया का सबसे पहला फोन का वेट मैं बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। मोटरोला ने 1973 में पहला फोन लॉन्च किया था, तो कुछ ऐसा दिखता था जिसका वजन 1 kg के लगभग था। नेक्स्ट, ब्लूटूथ से पहले कुछ रेडियो हुआ करते थे जो पहले कुछ ऐसे दिखा करते थे। इनके पास लोग इकट्ठा होकर बहुत ही ज्यादा ध्यान से
सुनते थे। नेक्स्ट ट्रेन के सफर में तो हर लोग ने सफर किया होगा, लेकिन ट्रेन पहले कुछ ऐसा दिखा करती थी जो कोयला से चला करती थी, लेकिन आज के जमाने में ट्रेन कुछ ऐसा दिखती है। नेक्स्ट ऐसी जगह जहाँ अपने लाइफ के एक साल गुजार देते हैं, टॉयलेट जो बहुत ही पहले कुछ ऐसा दिखती थी, वैसे हॉल के अलावा और कुछ नहीं था। नंबर वन, हम जब कॉल पे बात एक दूसरे से करते हैं तो सबसे पहला हमारा वर्ड होता है हेलो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हेलो वर्ड सबसे पहले किसने बोला था? आपको लगता होगा कि हेलो वर्ड बोला होगा तो कॉल में ही बोला होगा, लेकिन आप गलत हो। हेलो वर्ड को एक लेटर वर्ड में बोला गया था, और ये लेटर लिखने वाले थॉमस अल्वा एडिसन थे। उन्होंने 80s में लिखा था, जिसमें हेलो वर्ड का सबसे पहली बार यूज हुआ था। तो मेरे भाई, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसी और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए सूर्या फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी बताया वीडियो कैसा लगा।